ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। आमे आज आलोचना करुचे महापुरुष पंचसखा मानक ग्रंथ पंचसखा जे ग्रंथ रचना करथिले मालिका ग्रंथ ता नुहे। सारंग दास मालिका अच्छी, शिशु दास मालिका अच्छी, निराकार दास मालिका अच्छी, बहुत मालिका बाईकुष्ठ दास मालिका अच्छी, दीनकुष्ठ दास मालिका अच्छी, अनेक मालिका लेखाई था गोटे माड़े जमी जे फूल गुड़ाकूप गुंथा हो जाए जोथे भविष्य कथा इतिहास कथा पुराणर कथा एवं समाज को सतर्क करार कथा मलमाल गुच्छ गुच्छ भाव लेखाई था तार ना हूँ मालिका। आम आज जहाँ कहूचे ता केवल महापुरुष कथ कहे आमर मन गड़ा कथा किछि नुहे। तेणु गोटे कथा होची महाप्रभुंकर कथा, से जो कथा जानिले आमर मनुरु पळै जीव व्यथा। मालिकारे बहुत कथा लेखा जाइछि एवं कटक चौदार विषय लेखा जाइछि। दर्शक बंधु को मु एठी अवगत करै दउछि जे कि आमर कटक कहिले आमे केवल कटक बुझे, किंतु पांचटी कटक अछि। से पांचटी कटक होची कोन ना गोटे कटक होची पुरुषोत्तम कटक निराचल धाम, द्वितीय कटक होची कटक, तृतीय कटक होची अमरावती कटक, चतुर्थ कटक होची जाजपुर कटक, पंचम कटक होची चौदार कटक। ये चौदार कटक विषय में महापुरुष अरक्षित दास पद्मक महागुप्त पद्मकल्प मालिका लिखिंट चौदार कौन कौन लीला हम अध्याय संख्या होची षष्ठ अध्याय महापुरुष अरक्षित दास पद्मकल्प मालिका। ये चौदार सहर विषय में कौन लिखाई आम आज चुंबक आलोचना करवा। महापुरुष कहते मोर देह छुई तु ही शपथ जे कर न कहु कहे कथा सत्वर। कहते मोर देह छुई तु शपथ जे कर न कहु कथा तु कह आगे सत्वर। ताला आम कहे केमी ये कथा गुड़ा गुप्त मुकुत सब कौ समय हम महापुरुष मैं तार गोटे अंक प्रमाण देते कहले कौन ना वृद्ध बालक राजा हो गुप्त सन साल चल कहती स्वामी बार जन बेले मोर निवास चित्र तोला कूले बारण बेल से जो हो ग्रंथ ठावे ठावे आदर हेब। से बारण समय संकेत कौन महापुरुष अच्युतानंद को रामचंद्र दास पचारिथिले एवं रामचंद्र दास कहले गुरुदेव आपण जो ठारकार कथा कहते साधारण मनुष्य ये सब ठारकार को बुझीपरब ना गोटे संकेत कहतु कौ समय बारण बेला आसी पहुँचला शेष बेला आसी पहुँचला अंतिम पर्यायर आम पहुँचु बोले जानबू और निजुक सतर्क करदेबु प्रभु चरणारविंद जुगल निजुक आश्रित करूँ। से बेले अच्युतानंद महापुरुष कहे रामचंद्र को हे रामचंद्र शुण संकेत श्रीमंदिर कहूँ कहे अणा बेड़ एक पथर खसव तेईस वर्ष कली देश छाड़ जीव अणा बेड़ एक पथर खसव तेईस वर्ष कली देश छाड़ जीव। आम मैंने समस्ते देखीचे उन्नीस नब्बे मसीहा जून मस पंदर तारीख दिन जगन्नाथ महाप्रभु अणा बेड़ गोटे पथर खसीदाला जोटा बर्तमान लक्ष्मी मंदिर पाखे अच्छी पूजा पाँच नब्बे कहे तेईस वर्ष कली देश छाड़ जीव उन्नीस नब्बे पथर खसीदाला जून पंदर से दुई हजार तेर मसीह को तेईस वर्ष पूर्ण होता है से दुई हजार तेर मसीह तेरह दिनिया पक्ष पड़ता है तेरह दिन पक्ष पड़ो जब कल कि चिंता लगे तेरे से ये ग्रंथ सब धीरे धीरे गुप्त कथा गुड़ाक मुक्त हो कहते चौदह तेल कौन घटना घटव। महापुरुष कहते कटक चौदार कथा कहबी जे शुण कि खेल लगे पुणी करी बखाण कटक चौदार हेब रण गण जाण विराट गादी थिला एठारे जे प्रमाण कहे कटक चौदार रणगोल हम कहीं देखा कटक चौदार रे माटी तले प्राय तीस किलोमीटर रेडियस सब अस्त्र शस्त्र अच्छी चाइना क्षेपणास्त्र माट कर चौदार को ही माट कर चौदह रणगोल हम कहे चौदार रणगोल हम बोली महापुरुष लिखिंट छःश वस्त्र लिखिदे बर्तमान देखते चौदार सहर से अच्छी मटी तले अस्त्र अस्त्र होती कहे ये तेल जो रणगोल हम आउ कौन भल कथा घटवन ना भल कथा घटव कौन घटव यहीठार प्रलय जे यहीठार भकत जे हो परीक्षा कमला यहीठार देवे पुणी देखा कमला किए महालक्ष्मी महालक्ष्मी चौदार देखा दे भक्त मान को सी कौन शंखचक्र गदापतन देखा देवे ना जन कई महीसी महिला रूपरे भितर महालक्ष्मी शक्ति थब सी ये युद्धटा को बंद करदे शांतिर बार्ता आसव जहाँ घटना घटव आम तो कौन व्याख्या करुचे क्षुद्र मस्तिष्क तेणु ये जे आपण मैंने कहे शारदा बाबा सब व्याख्या करेंगे ना शारदा बाबा सब व्याख्या करें मो ना शारदा मुझे कहूँ से शारदा माँ का कृपा कहूँ आपण मैंने पद थोदलु आपण मैंने अनुभव करूँ। जय जगन्नाथ जय पंचसखा।